नमस्कार, गीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम बेसन की बर्फी। आम बर्फी बनाने के लिए हम लेंगे 4 आम, 2 कप बेसन, 2 चम्मच घी, 1.5 कप चीनी। गार्निश के लिए हम लेंगे काजू और थोड़ी सी हम इलायची डालेंगे इसमें। आइए अब हम आम को छील लें। पहले इसी तरह से सारे आम हम छील लेंगे। सारे आम छील कर तैयार हो गए हैं, अब इसको हम कट कर लें। ऐसे इसी तरह से छोटे छोटे हम पीस कर लेंगे। अब हम अपने आम को इस मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए आम मेरा पीस कर रेडी हो गया। इसमें जरा सा पानी नहीं डालना पीसते समय। हम बेसन को भूजेंगे और गैस ऑन कर लें। हो गया, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। इसमें डालेंगे बेसन। ग्रीन फ्लेम पर हमको ऐसे भूनना है। कैसे हम इसको इस तरह करके आग में भूनेंगे। ये बेसन हमारा भून गया है, अब इसको हम खाली कर लें। बेसन को हम खाली कर लिए, अब इसी में डाल देंगे पिसा हुआ आम। इसमें और 1 कप हमने चीनी डाला। इसी में डाल देंगे इलायची पाउडर, थोड़ा काजू डाल देंगे। देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है जेल की तरह। देखिए अब इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन। ऐसे हम मिलाते रहेंगे। अब देखिए मेरा आम का जो घोल था ये तैयार हो गया बर्फी बनाने के लिए। पहले हमें इसमें थोड़ा सा घी या तेल ऐसे लगा लेना है। इस तरीके से हम पूरे थाली में घी लगा लिए हैं। इसको हम ऐसे रखेंगे। देखिए अब इसी थाली में हम इसको फैला दिए हैं। अब इसको हम 7-8 घंटा तक रख देंगे ऐसे। इसके बाद में हम कट करके बर्फी शेप में बनाएंगे। देखिए बर्फी मेरा जम गया है। हम 8 घंटे के लिए इसको रख दी थी, वो 8 घंटा हो गया मेरा जम रहा है। इसको हम पीस पीस में हम काट दें। देखिए इस तरीके से हम इसको कट करके बर्फी शेप में काट देंगे।